damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. तुम भी ना, आओ इधर, इधर आओ। मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ अभी। तुमने हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया है, कर ली। मोहम्मद, इल्नूर, यहां पर क्या कर रही हो तुम? ये रिंग, ये क्या है? ये रिंग मलिका के हाथ में क्या कर रही है मोहम्मद? जवाब दो मुझे मोहम्मद, क्या तुम इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? क्या हम दोनों से मंगनी की है तुमने? इल्नूर, ये क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है बताओ मुझे? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गले मिलते हुए देखा है। जो रिंग मैंने तुम्हारे पास देखी वो उसके हाथ में है। क्या तुम मेरी जेबों की तलाशी लेती हो? तुम मेरे मंगेतर को छीनने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम मेरी बात सुनने की कोशिश कर रही हो? बताओ मुझे। नूर मैम, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी जो तुम करने जा रही हो। आप गलत समझ रही हो। तुम्हारा बताओ, बात तो सुनिए प्लीज। जवाब चाहिए मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने तो इन्हें भी गिरा दिया। बाहर निकालो मुझे। अरे बाहर निकलो, मुझे अपना हाथ दो। आ जाओ, बाहर निकाल। आ जाओ आराम से। परी, अगर आपकी इजाजत हो तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द वापस आता हूं, ठीक है? हाँ बेटा तहसीन, परेशान मत, तुम अपना रास्ता निकाल लूंगा। सना, हयात, क्या वो कमीनी यहाँ पर है? जल्दी बताओ मुझे। अरे मेरी जान, मैं समझा नहीं तुमने क्या कहा। सना, हट जाओ मेरे रास्ते, मेरी जान, रास्ता दो मुझे। रुको, बात सुनो, गाड़ दूंगी मैं यहाँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, देखती हूँ मैं कहाँ है वो, कहाँ छुपी हो, कहाँ है वो। खामोश हो जाओ प्लीज। देखिए मेरी बात सुने। अरे तहसीन किपर, हाँ? आप इनको प्लीज संभाल लें। क्यों, क्या हुआ? बात को समझे मेरी, मुझे उन दोनों को भी बचाना है। अच्छा मैं समझ गई, अब पहलो तुम्हारे कैसे हुई? मुझे जान में टक्कर देने लगी। इधर आओ, मैं नहीं हूं। तुम पागल हो गई हो, छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। तुम इस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ? ये अंगूठी इसने नहीं दी, मैंने पहनाई है। हमारी मंगनी हो गई है। मोहम्मद, ये सब आखिर कैसे हो सकता है? आज वो रिंग मुझे तो मोहम्मद की जेब से मिली थी। अच्छा वो मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था, तो मैंने मोहम्मद से कहा कि वो ऑर्डर ले ले जो मैंने सोनार को दिया है। बिल्कुल हाँ। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से गले क्यों मिल रहे थे? मैंने खुद देखा था। मैं मलका को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुमने इससे मंगनी की है? हाँ, मैंने मलिका से मंगनी की है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? ये मजाक नहीं है, बल्कि डरावना ख्वाब है। मोहम्मद, क्या मुझे सूखे हुए कपड़े मिलेंगे या नहीं? हाँ, तुम पहले से ही गिरने की शौकीन थी, खास तौर पर मेरी जेबों में झांकने के लिए। तो ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बस छोड़ो एक दूसरे को। दीवा बेगम, इतने बड़े प्लास्टर के साथ उछल कूद कर रही हो, समझा समझा के थक गई, समझती नहीं हो? बुढ़िया ना तुम्हारी माँ लगती है, ठीक है? अभी जाके उस औरत को मार डालूंगी मैं। तुमने मेरी माँ का नाम लिया, उसे बुरा भला कहा। क्या करूँ इसका मैं? अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना सना? तुमने हर जगह देख लिया, नहीं मिली ना वो? अरे वो हॉस्पिटल से गायब थी ना, तो मुझे लगा कि वो यहाँ होगी। आखिर तुमने मुझे क्या समझा है? अब तुम उदास कर रही हो। और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैडम, हयाती साहब पहुंच गए हैं यहाँ और मोहम्मद के घर गए। क्या तुम्हें फिर से कोई जासूस मिल गया है सना? अरे इल्कनूर, अरे। वो बेवकूफ लड़की, उसने पूल में धक्का दे दिया मुझे। कौन बेवकूफ लड़की? वो उतनी बेवकूफ नहीं है जितनी नजर आती है हम सबको। उसने तहसीन से मंगनी कर ली। तहसीन की मंगनी हो गई? वैसे मुझे तजस्सुस है कि उसकी मंगनी किस खुशनसीब लड़की से हुई है। चलो चलकर मुबारकबाद देते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं, इतनी जल्दी क्या है? अभी तुम मुझे उस जासूस के बारे में बताओगी जो मेरे पीछे लगाया है। चलो बैठो अंदर। जैसे तैसे ये दिन भी गुजर गया। दो ताली। लेकिन लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें। क्या? दोस्तों, क्या तुम्हें एहसास है तुम दोनों के दो मंगेतर हैं? उसको कहा तुम मेरा प्यार हो, तुमने सुना ना? मेरी बात सुने दीवा बेगम, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है शायद उसने अदाकारी की हो। हाँ, याद है नजूमी ने क्या कहा था? अपने प्यार पर भरोसा रखो, बाकी सब भूल जाओ। जी नहीं, वो बात बिल्कुल अलग है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो कहती है राज रखो इसका। ये दोनों बातें अलग है, तुम नहीं समझोगी। जिस औरत ने मुझसे बेइंतहा बदतमीजी की, उसी को अपना प्यार का। क्या हम भागे यहाँ से? तुम क्या कहती हो? चलो निकलते हैं फिर यहाँ से। चलो चले। उसने मुझे छोड़ दिया। तहसीन, क्या वो औरत जोसेफिन नहीं है? हाँ बिल्कुल दोस्त, वही है। जर्मन लड़की उस सोफे पर बैठी है जो पैलेस ने मेरे परदादा को तोहफे में दिया था। उदास ना हो मेरे दोस्त, ये दिन भी गुजर जाएगा। अब दुश्मन की फौजों को लहरों में धकेल दूंगा मैं। हंसो मत। जहाज आ गया क्या? डॉक्टर की कदर करें दादाजान, इसने ज़र्बो फरार के नाम से किताब लिखी है। तुम ये क्या ज़र्बो फरार कर रहे हो भाई? पानी बहुत ठंडा है, अंदर आ जाओ। जबरदस्त, उसने तुम्हें गिराया और भाग रहा है। पागल हो तुम! इधर लाके रखो, वापस वापस लाओ। ये रुको जन्नत, पीछे जो तुम पागल इंसान बोल नहीं सकते थे। रुको, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मसला नहीं है। दूर हट जाओ तुम, दूर हट जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? चलाओ तहसीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पीछे हट जाओ। ओह मम्मी, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। क्यों सिद्ध कर रही है? तुम ये शराफत से खा क्यों नहीं लेती हो? हर बार मुझे भगाती रहती हो। अम्मी यार, आप क्यों जिद कर रही है? मुझे नहीं खाना है, मैंने कह तो दिया है आपको नहीं खाना। मुझे नहीं, नहीं। ठहरो ठहरो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। आप यहीं थे? तुम मेरी हड्डियां तोड़ने ही वाली थी। देखो कितने प्यार से खा लिया, इस तरह से। सुनो, क्या आज तुमने बनियान पहनी है? पहनी हुई है, पहनी हुई है, मैंने पहनी हुई है। अम्मी जान, अभी जाने दीजिए, दोबारा से शुरू मत कीजिएगा, हमें लेट हो रहा है। चलो चलते हैं। हाँ। रुको रुको रुको, यहाँ आओ, हाथ दिखाओ अपना। हाँ, बहुत प्यारी लग रही है, क्या बात है। अच्छा ठीक है, नहीं मारूंगी मैं उसे, छोड़ो तो सही। ओह वाह, ये कितनी अच्छी लग रही है, दिखाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे ये दामाद बहुत पसंद है, इससे पूछो क्या ये जहाज उड़ा सकता है। नहीं दादा जान, ये हवाई जहाज चलाता है जिसमें आप बैठे थे। हंसी नहीं आई मुझे। मलिका, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ रुको रुको रुको, ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है। तुम इसको अभी नहीं, सिर्फ मंगनी में पहन सकती हो। मतलब क्या है आपका? तुम एक दूसरे के बीच अंगूठी नहीं पहन सकते, तुम्हें लड़की का हाथ पहले उसकी माँ से मांगना पड़ेगा। हाथ मांगना पड़ेगा क्या? बेटा मलिका, तुमने इसे मना नहीं किया अंगूठी पहनने से, इसे बताया नहीं कि हम लोग जर्मनी से यहाँ आ रहे हैं। इससे कहती ना कि जब हम लोग जर्मनी से यहाँ आ जाएं तो आके हमसे तुम्हारा हाथ मांगे। सच में मैंने ऐसा कहा? क्या तुम पागलों की तरह पूल भी खेल रही हो लड़की? तुम सबका हुलिया खराब है। चलो चलो सबके सब चलो घर के अंदर चलो चलो। शाबाश। चलो देर हो रही है, ऑफिस चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, जल्दी किस बात की? तो मैंने जर्मनी से आने के लिए तुम्हारे वालिदैन से शादी की इजाज़त लेने का इसरार किया था। हुआ ये था कि हाँ, तो झूठ बोला होगा मैंने उनसे। मेरी तरफ देखो, मैंने अपनी मंगेतर के घर वालों से शादी की इजाज़त तक नहीं मांगी। मेरा भाई अजफ्यून वापस जाएगा, अगर उसको हमारा हिस्सा मिल गया तो सब लोग वापस चले जाएंगे, तो उन्हें सुकून से वापस जाने दो। क्या ख्याल है? मुझे इस तरह मत देखो, तुम मुझे कभी कायल नहीं कर सकती, किसी सूरत नहीं। अगर मैंने फिर भी कर लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत नहीं, कभी नहीं। क्या करूं मैं? हाँ इस इंसान को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मगर इंसान नहीं पत्थर है वो, बहुत सख्त दिल है। जल्दी अंदर चलो चलो। बेटा ये देखो, तुम्हें ये सारा हिस्सा मिलेगा और फौरन वापस आ जाना बिना कोई मजे किए हुए, समझे? और अपने फालतू चाचा को बताना कि घर को छोड़ दे, हम वहाँ बसेरा करेंगे, समझे मेरी बात? समझ गया अम्मी। ये नहीं होगा, मैं किसी भी कीमत पे गांव तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे सुना नहीं है क्या? अब मार लगेगी तुम्हारी, ये तुम अपनी कमर पर बांधना। बिल्कुल अंदर की तरफ, ये अपनी पतलून के अंदर रखना, ठीक है? हाँ, और अपने कपड़े चेंज करते रहना है। मेरी बात सुनो, पैसे तब तक नहीं निकालना जब तक तुम अपने फजूल चाचा से मिल ना लो, ठीक है? समझ गया माँ। और जब तुम्हारा बाप भाग गया था ना, मुझे माफ करना बाबा, मौजूदा कंपनी को जोड़कर। तुम्हें क्या ये कमीना लगता है? जब तुम्हारा कमीना बाप भागा था ना, हाँ, तब मैंने ये यूरोस बचाए थे, दिन रात मेहनत करके ये एक एक यूरो जमा किया है। ये लो, इधर देखो, बिल्कुल नहीं भूलना, इसको पतलून के अंदर रखना, ठीक है? ठीक है हाँ, ये भी रखो। हाँ हाँ, ध्यान से है। ठीक है समझ गया। चलो अब तुम जाओ। हाँ या अल्लाह, ध्यान से तूफान, ध्यान से। इधर देखो, इसको हर बार पतलून के अंदर ही रखना। हाँ हाँ, वही जरबो फरार आदमी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे प्रिंस बेटे? सुबह बखैर फ्रलाइन। दरअसल कुछ बेड बग्स ने मेरे दादा के सोफे को सताया और मैंने उन पर स्प्रे कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं इजाजत चाहता हूं आपसे। गुड बाय। तुम चार्लिस को पसंद करती हो ना? क्या कह रहे हैं दादा, तौबा तौबा। कर्नल साहब, ये बदला हुआ रूप जच नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नजरों से बच जाओगे अंग्रेजों के एजेंट? लेकिन मैं जल्द पता लगा लूंगा कि आखिर तुम हमारे मुल्क में क्या कर रहे हो। याद रखना तहसीन, मोहम्मद के घर में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने एक लड़की को अगवा किया हुआ है और तुम्हारे घर में बर्लिन वाले भी हैं। धोखेबाज लड़के, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूं। मैं जानता हूं हाँ कि तुमने अपना नाम चेंज किया है। आपको कुछ ज्यादा ही पता है कर्नल साहब, इस सिचुएशन में आपको ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे प्रिंस चार्ल्स। और बात सुनो, तुमने उस लड़की को पुल में फेंक कर अच्छा नहीं किया। बहुत जालिम इंसान हो तुम। तुमने मेरी बहन को पानी में फेंका? हाँ हाँ और क्या। ये तो इसकी पुरानी आदत है लड़की। इसकी बातों पे यकीन करना किसी धोखे से कम नहीं है। और इसके दादा बहुत बड़े कर्नल थे। और इस धोखेबाज को देखो कि ये क्या कर रहा है। जी हाँ कर्नल, आप सही हैं। मेरे दादा अपनी कब्र से उठे और हम सबको तैयार किया, और वो एक तंजीमी ज़ॉम्बी है। रुको रुको, अफसोस ठीक है, लेकिन मैं ज़ॉम्बीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं करता। ये इस मिस्टीरियस क्यूटी पाई पैलन के कजन है ना? हाय, मोहम्मद के रिश्तेदार भी अजीब हैं। जो भी हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे तो बहुत नॉर्मल है। हाँ तहसीन, वाकई। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर टूटेंगे, तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल गिरेंगे। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही आला, क्या बात है ब्रो। कितनी शानदार आवाज है तुम्हारी। इतना दर्द भरा गाना तो मैंने आज तक नहीं सुना। अभी आपने मेरी आवाज सुनी ही कहाँ है यार। अगर बुरा ना मानो तो वो आखिरी का मिसरा एक बार और हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं। या अल्लाह, अगर नाजी भाई तक तुम्हारी आवाज पहुँच गई ना, इस्तांबुल को हिला के रख दोगे तुम, यकीन करो। नाजी भाई कौन है? नाजी तुरामन। ये मत कहना कि नाम नहीं सुना। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। क्या तुम जानते हो उन्हें? मेरा मतलब है इतना ज्यादा नहीं जानता, बस सलाम दुआ है मेरी। हाँ लेकिन तुम्हारी आवाज के लिए हमें नाजी तुरामन जैसे प्रोड्यूसर की जरूरत है। जरा सोचो, उस इंसान ने कितने लोगों को फेमस कर दिया है। इस शहर में जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, सब उनके साथ काम करने को तरसते हैं। सच कह रहे हो। तुम जानते हो मुझे किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है? अगले 3 दिन में तुम्हें कोई और ढूंढ लेगा और मुझे इससे भी ज्यादा अफसोस होगा। और क्या करूं तुम्हारे लिए। क्या आप नाजी भाई को मेरी आवाज सुना देंगे? बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा मतलब है मतलब मेरे पास शायद नंबर मिस हो गया उनका। मेरा भाई मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। ढूंढ ही लेता हूँ अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? जीवन बात कर रहा हूँ भाई। जी जी, जीवन IMC से। देखा मुझे कैसे पहचाना। भाई मैं जानता हूँ आप मसरूफ होते हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भाई मेरा एक दोस्त है, उसकी कमाल की आवाज है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको आवाज सुनाऊँ उसकी, उसी तरह सुर में सुनाना। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई वाकई खूबसूरत आवाज है इसकी। हाँ? भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे? भाई हम जरूर आएंगे। क्या बात कर दी आपने। ठीक है डन हो गया भाई। अरे यार क्या किस्मत वाले इंसान हो तुम। हाँ? अब मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि आज रात हम उनके विला जाएं और वो तुम्हारी आवाज लाइव सुने। ये तो अच्छा है। लेकिन मुझे तो अभी अफ्यून जाना है। अफ्यून जा रहे हो? हाँ, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रही है और तुम भूल जाओ उसे। चलो नाजी भाई के पास चलते हैं। क्या तुम उस गाने का आखिरी मिसरा एक बार और गा सकते हो? हाँ इरशाद। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों जाहिर है ये औरत हवा में तो नहीं गुम हुई, कोई तो जरूर है जिसे पता है कि दीवा कहाँ पर है। मैं बताऊंगा अगर कहीं दिखी तो। तुमने कुछ कहा था सीन? वैसे जब दीवा एजेंडा में है तो हम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं, क्या कहती हैं आप? जैसे कि मिसाल के तौर पर मोहब्बत के बावजूद आदमी शादीशुदा है, खुदकुशी की धमकी के बावजूद वो शख्स सामने नहीं आता, आदमी को तो बस तकलीफ होती है और औरत पागलों वाला प्यार करती है। वो दीवा उसी की एक मिसाल है। यहाँ पर हजारों इस तरह के लोग मौजूद हैं, हजारों गरीब लोग जो ना चाहते हुए उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक कह रहे हो तुम। दर हकीकत कुछ बदमाश ऐसे मर्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जो उनके बराबर के नहीं होते और कई गुना ऊंचे होते हैं, और ऐसे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, उनकी मंगनी हो जाती है। लेकिन इस वक्त हमारा ये मौजू नहीं है तहसीन। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मौजू ये नहीं है। इस फाइल के बारे में क्या राय है? हाँ ठीक ही है, अब से इस फाइल की जिम्मेदारी तुम्हारी, और फिर तुम अपने मोहब्बत के मशवरे वाले कॉलम में चंद मतवाज़ी मज़ामीन लिखोगे। उफ, पेपर्स भी अभी खत्म होने थे। हाँ। ठीक है, फिर सब लोग अपने वसाइल के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दीवा कहाँ पर है। ओह, वैसे दीवा के जरिए एजेंडा तरतीब देने का एक वाकया है, जैसे तहसीन के बावजूद मोहब्बत की फाइल। ठीक है, सोचो, सब लोग अच्छे से सोचो। मैम मजबूती से थाम ले, नेचर की खूबसूरती यहाँ पर है। कम से कम ये खूबसूरत तो है और कुदरती भी। तो तुम इसके बारे में क्या करने की सोच रही हो? क्या हुआ मलिका, क्या बात है? अब और क्या तोड़ने आई हो? अभी जो मैंने कहा वो सुना? मैं सुन चुकी हूँ सब कुछ। दीवा को लेकर बात हो रही थी ना, मैं कर सकती हूँ ऐसा। मैं प्रॉपर फाइल बनाऊंगी, मेरा मतलब है कि सब कुछ तहरीर करूंगी उसमें, क्योंकि दीवा जैसी और भी खवातीन मौजूद हैं जो इस चीज़ को बेहतर समझ सकती हैं और उन्हें पसंद भी आएगा। तो ये कि ऐसा एक प्रोग्राम होना तो चाहिए। ये तुम कह रही हो? जी जी, मैं ही कह रही हूँ। मत कहा करो मलिका, जाओ और जायचे के बारे में लिखो, फौरन जाओ। तो हमें मिल गया हमारा मौजू दोस्तों, एक ही हकीकी ख्याल। मेरा तो ख्याल है यही सही रहेगा। बहुत लापरवाह होती जा रही हो तुम। यार तहसीन, मुझे वाकई परवाह नहीं है। एक नूर मैं मुझसे कभी खुश नहीं होंगी, और कल वो उस पूल वाले मसले के बाद, और वो मेरे लिए ये जगह जहन्नुम बना देंगी, यकीन से कहती हूँ। परेशान मत हो तुम, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। हाँ लेकिन झटका दे सकते हैं तुम्हें, उससे बचना। ओके, तो हमारी मीटिंग खत्म हो गई है, आज के लिए इतना काफी है। वो कोई बेवकूफ औरत नहीं है, मैं उनकी मंगेतर से गले मिल रही थी और ऊपर से ये अंगूठी। फिर कैसा है बताओ मुझे? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से गले मिलते हुए देखा है। जो रिंग मैंने तुम्हारे पास देखी वो उसके हाथ में है। अंगूठी के लिए तूने मेरी जेबों की तलाशी ली? क्या हुआ भाई, कॉल तो पिक करो। अपने काम से काम रखो, समझे? ओ अब चलो भी, मैंने इसकी पॉकेट्स की तलाशी क्या ली, अब ये पूरे हफ्ते सुनाता रहेगा मुझे। क्या कर रही हो? वो देख रही है। हाँ अभी भी देख रही है। हाँ जल्दी बताओ, देख रही है क्या? हाँ 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 वो देख रही है तुम्हें, ठीक है? वो अभी तुम्हें अपनी नजरों से मारने की कोशिश कर रही है। सही है तहसीन, ठीक है। मुझे तो डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करने वाली है वो। आओ मेरे साथ, तुम इधर आओ, बैठो इधर, कहीं जाना नहीं, बैठ जाओ। तहसीन मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है? मेरी बात सुन रहे हो ना, यहीं रहो तहसीन। घर नहीं जा सकता, वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं और टेबल पर, उसकी वजह से नहीं जा सकता। तूफान भाई गांव जा चुके होंगे अंकल की यहाँ हमारा हिस्सा लेने, फिर तुम्हारा घर जल्द ही हम खाली कर देंगे। काश कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तुम्हारी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, इसे रिकॉर्ड होने दो, मैं मगलूब हूँ। एक्वेरियस के बारे में लिखा है कि वो इन दोनों मगलूब हो सकते हैं, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द अपने गुस्से को ठंडा करेंगे। बदमाश बिल्ली। मियाओ। अरे अंकल हयाती का फोन आ रहा है। जी कहिए अंकल हयाती। तहसीन, मलिका को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो, जिंदगी और मौत का सवाल है? उन्होंने तुम्हें फौरन हॉस्पिटल बुलाया है? अरे क्या हुआ है मोहम्मद, तो कुछ हुआ है क्या? कॉल करो उसे फौरन। आपका मकतूबा नंबर फिल वक्त बंद है। फोन बंद है, चलो फिर। अरे तुम लोग आ गए? सब खैरियत है? मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है? मोहम्मद सर्जरी में है, प्रोसीजर कर रहा है। हयाती अंकल आपने कहा कि जिंदगी और मौत का सवाल है, हॉस्पिटल पहुंचो फौरन। हाँ बेटा, ये जिंदगी और मौत का ही सवाल है। मेरा मतलब मैं ये काम खुद ही कर लेता, लेकिन उसने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं बेटा। बेटा मलिका देखो, हमारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। क्या? मैंने फैसला किया है कि तुम परी को इसके साथ काबू में रख सकती हो जो तुमने कल रात को लिखी थी। हाँ? यानी तुम वही लिखोगी जो मैं परी के जायचे के लिए तुमसे लिखवाना चाहता था। अच्छा और कुछ? जरूर। अब मेरी बात गौर से सुनिए आप, मैंने एक बार उस औरत को बेवकूफ बनाया था जो आपके प्यार में गिरफ्तार है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं कर सकती मैं। चलो तहसीन फौरन चलो यहाँ से। मलिका क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां को इस फर्जी मंगनी के बारे में सब कुछ बता दूं? क्या? यही किया आपने उनके साथ भी, यही किया है। धोखा, मौका परस्त होना, बदसलूकी, ब्लैकमेलिंग। हाँ मैं बिल्कुल भी आप पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। हम सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप उन दोनों को संभाल सकें, और आप है कि हमें ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ओह प्यारी मलिका, हम चाहे कुछ भी कर लें, अफसोस हम साथ ही मरेंगे, या तो जो हमने किया उसकी वजह से, या जो नहीं किया उसकी वजह से। तो मैं बिना अफसोस के मरना नहीं चाहता कि मैंने परी की मोहब्बत का तजुर्बा क्यों नहीं किया। अगर आपको उनसे इतना प्यार है, अपनी बीवी को छोड़ दें। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ तो वो मुझसे हॉस्पिटल छीन लेगी। ये सब कैसे होगा फिर? हाँ हॉस्पिटल नहीं छोड़ना, बीवी को नहीं छोड़ना, दीवा को नहीं छोड़ना, ऐसा कैसे मुमकिन है? मेरी बात आप गौर से सुने क्यूटी पाए, मुझे ब्लैकमेल करके कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे आप। अगर आपने मेरे घर वालों को मेरे बारे में कुछ बताया तो मैं आपकी पूरे तुर्की के सामने पोल खोल दूंगी। अगर आप ना भी खोलें तो परी एक ना एक दिन सब कुछ खोल देगी, देखिएगा। अब क्या तुम परी को जायचों के तबसरों से काबू में रख सकती हो, या मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूं? कबूल है। और अगर मलिक आपकी बात मानेगी तो उसकी भी एक शर्त है हयाती अंकल। मेरी भी शर्त है? हाँ शरी। और वो क्या? तो शर्त ऐसी है कि मलिका को आपके सारे राज पता होने चाहिए। उसके अलावा आप मलिका को मरीज की राजदारी के खिलाफ वर्जी के बगैर अपने क्लिनिक में मजामीन की एक सीरीज बनाने की इजाजत देंगे। और हाँ, अखबार के लिए एक सर्जरी फाइल। तहसीन, मलिका, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मलिका ने एक सौदा किया अंकल हयाती के साथ। कल की तरह अपने जायचों के तबसरों से दीवा को काबू में रखेगी। ऐसा है क्या? और बदले में? और बदले में ये कि मैं आर्टिकल लिखूंगी उन औरतों के बारे में जिनकी सर्जरी हुई होगी। एक मिनट रुको, क्या तुमने कल वाले वाकये को अपने करियर प्लान में बदल दिया है? क्या मतलब? परी की कमजोरी को इस्तेमाल करके तुम मेरे अंकल को ब्लैकमेल करोगी? किस कदर जालिम बन गई हो तुम। मलिका रुको यार। तहसीन हट जाओ। क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? रो रही हो तुम? हटो मेरे रास्ते से। पता नहीं क्या हो गया इसको। मोहम्मद रुको जरा, मुझे मजबूर मत करो कि पब्लिक में ही तुम्हारी मार पड़े। कौन पीटेगा मुझे? दिखाई नहीं दे रहा कि वो लड़की हम सबको चोट पहुंचा रही है। बस रुक जाओ वरना तुम्हें यहां से नीचे गिरा दूंगा मैं। तुम मुझे, मेरा मतलब मुझे नहीं पता। जब तुम सच सुनोगे तो खुद ही यहां से छलांग लगा दोगे। बेवकूफ इंसान। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो यार? आखिर किस सच की बात कर रहे हो तुम तहसीन? वो लड़की मुसलसल हमें ब्लैकमेल कर रही, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बात सुनो, वो ब्लैकमेलर नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल हैं। मेरे अंकल? हाँ। मलिका को धमकी दी कि वो सब कुछ खानदान को बता देंगे अगर वो राजी ना हुई तो। उफ मेरे खुदाया। तो तुम कह रहे हो कि मेरे अंकल ने उसे धमकाया? मेरे ख्याल से मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। हाँ गधे की तरह बिल्कुल। मुझे खुद जाकर उससे मिलना चाहिए। तो मलिका के पैरों में गिरकर माफी मांग लो। उसके लिए कोई तोहफा ले जाऊं? बस मुखलिस रहो मोहम्मद, वो इल्म नूर नहीं है। जीवन। अरे सलाम नाजी भाई, एकदम मस्त भाई। भाई ये वही आदमी है जिसकी मैंने आपसे फोन पे बात करवाई थी। तूफान सलाम। सलाम भाई। हेलो 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 तूफान, कैसे हो तुम? तुम्हारी आवाज फोन पर अच्छी लग रही थी। चलो अब हमें भी सुना दो कुछ। भाई परेशान ना हो, मैं ऐसा गाऊंगा सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, फिक्र ना करें। लेकिन तुम पछताने की बात आखिर क्यों कर रहे हो? अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई खूबी नजर नहीं आई तो तुम यहाँ से दफा हो जाना। अगर आपको मेरी आवाज में कोई खूबी नजर ना आई तो आपके बगैर कहे मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा नाजी भाई। हाँ तो एक काम करो, शुरू हो जाओ। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल गिरेंगे, इंशाअल्लाह तेरे। क्या तुम्हें यकीन है कि इस बेवकूफ के पास पैसा है? हाँ हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। भाई आप तो जानते हैं जीवन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, भरोसा रखें। ठीक है जीवन। तेरे दांत टूटेंगे, तेरे बाल गिरेंगे इंशाल्लाह। कैसा था भाई, कैसा गाया मैंने भाई? कुछ तो बोलिए भाई, सही नहीं गाया क्या? बहुत खूब, जवाब नहीं, तुमने मुझे खुश कर दिया। क्या मुझे एक मौका देंगे आप? देंगे प्लीज? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर होगा। ये देखो नया सितारा पैदा हो गया, चलो आओ जश्न मनाओ। क्या तुम्हारे पास इस तरह के और भी गाने हैं? अभी बताता हूं भाई। तौबा है मेरी, इस लड़के को देखो, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। बाबा, वो है ना आपका बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसको क्लब ले जाए? आप मानते हैं ना कितना बेवकूफ है। किसकी बात कर रही हो तुम? मेरा तो कोई लड़का नहीं। ऐसे कैसे बाबा, आपके तो दो बेटे हैं, उनमें से एक तो मेरा होने वाला बहनोई होगा और दूसरा मेरा शोहर होगा। क्या उनमें से एक भी पायलट नहीं बना? नहीं बाबा, पायलट, यहाँ तक के तजुर्बेकार पायलट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और दोनों जानते हैं बाबा किसे उड़ाना है और किसे बचाना। हाय मेरा दामाद, देखो तो जरा कैसे मेरी बच्ची का ख्याल रखता है। हाय हाय मेरे दामाद पे मेरी जान कुर्बान। मुराद